हमने सीखा पहला एक ही संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं उसे घात के रूप में लिखते हैं एवं वह संख्या आधार कहलाती है जैसे तीन की घात में घात एवं तीन आधार है दूसरा घातांक बड़ी संख्याएं या छोटी संख्याओं को संक्षिप्त या मानक रूप में लिखने की विधि है तीसरा गुणात्मक प्रतिलोम दो की घात तीन का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे दो की घात तीन या दो की घात ऋण तीन होता है चौथा घातांक के घाता एक्स की घात एन एक्स की घात m धन n x की घात m भागित की घात n बराबर की घात m n x की घात m पूरे की घात n बराबर x की घात m गुणित n, x की घात m गुणित y की घात m बराबर x गुणित y पूरे की घात m। यहाँ x व y शून्येतर परिमेय संख्याएँ हैं तथा m व n परिमेय घातांक हैं पांचवा, परिमेय घातांक के नियम पूर्णांग घातांक के नियम की तरह ही लागू होते हैं